दोस्तों, अगर 12-13 हज़ार के रेंज के बारे में हम बात करें तो मेरे ख्याल से दो ही ऐसे स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं जहां पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। सबसे पहला है सैमसंग का M21 2021 और दूसरा है, आप जानती हैं, सैमसंग का गैलेक्सी F22। लेकिन मोटरोला की तरफ से भी एक तगड़ी एंट्री बहुत जल्द इंडियन मार्केट में होने वाली है और ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि 29 नवंबर को मोटो G31 एमोलेड डिस्प्ले के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है और ये चीपेस्ट मोटोरोला का स्मार्टफोन होगा जो कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में इस स्मार्टफोन से रिलेटेड शेयर करने वाला हूं और मैं कह सकता हूं अभी से कि इस स्मार्टफोन के लिए वेट बिल्कुल बनता है। बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइज, ये स्मार्टफोन काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है और जो प्राइस सामने निकल कर आई हुई है लीक्स के थ्रू, अगर इस प्राइस पे ये लॉन्च हो जाता है तो मुझे लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये स्मार्टफोन बिल्कुल बनने वाला है। अब यूं ही नहीं, 6.4 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड या मोटरोला इसे ओलेड पैनल कहता है तो ये हमें मिलने वाला है और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन रहने वाला है, तो जो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसी के साथ ही 409 पिक्सल पर इंचेस भी इस स्मार्टफोन में दिए जाएंगे तो जो क्लैरिटी वगैरह आपके डिस्प्ले में देखने को मिलेगी वो काफ़ी अच्छी होगी और ये जो पिक्सल पर इंचेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं अगर हम IPS और HD प्लस के मुकाबले बात करें तो। हाँ, ये चीज़ें जो हैं कुछ इस तरह की हैं। इसी के साथ ही डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं हुई है, वो चीज़ मैं आपको लॉन्च टाइम के दौरान जो वीडियो आएगा उसमें कवर करूँगा, लेकिन ये डिस्प्ले नॉर्मली 60 हर्ट्ज़ का ही होने वाला है तो प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे ठीक ठाक सही लग रहा है। मैं 90 हर्ट्ज़ यहाँ पर एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। इसी के साथ ही यहाँ पर 8.5 mm की आपको थिकनेस मिलेगी, मतलब ज़्यादा मोटा ये स्मार्टफोन नहीं होने वाला है। 181 ग्राम का है तो उतना भारी और मोटा ये स्मार्टफोन नहीं है। प्लास्टिक की बॉडी आपको बैक में देखने को मिल जाएगी, टाइप सी पोर्ट यहाँ पर दिया गया है, 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा और सबसे अच्छी बात वाटर रेम्पलेंट डिज़ाइन ये होने वाला है, यानी कि हल्के फुल्के पानी के छींटे भी आपके मोटो G31 पे पड़ जाएंगे ना तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आपका स्मार्टफोन सह जाएगा। तो हाँ, ये चीज़ें कुछ इस तरह की हैं। और कैमरा के बारे में बात करें तो इंटरेस्टिंग बात, 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस यहाँ पर यूज़ किया जाएगा जो कि F1.8 अपर्चर के साथ आता है, तो अपर्चर इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। और लो लाइट में मुझे लगता है कि अगर मोटरोला ऑप्टिमाइजेशन अच्छी करेगा तो फोटोज़ अच्छे निकालेगा। इसी के साथ ही क्वेड पिक्सल टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर यूज़ की गई है तो जो कलर्स वगैरह हैं वो आपको अच्छे मिलेंगे, तो हाँ कुछ इस तरह का सिनेरियो है। इसी के साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और अल्ट्रा वाइड लेंस के अंदर ही इंटीग्रेटेड आपको डेफ्थ का लेंस भी मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ सकते हो कि लेंस यहाँ पर एक है लेकिन दो काम करके देगा, अल्ट्रावाइड का भी और डेप्थ का भी। तो जो पोर्ट्रेट शॉट्स होंगे, मैं क्यूरियस हूँ कि किस तरह के निकालता है बिकॉज यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, तो हाँ इस प्राइस रेंज के हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हाँ कुछ इस तरह की चीज़ है। साथ ही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो का लेंस यहाँ पर दिया जाने वाला है। यहाँ पर LED फ्लैश है और 4K में आप वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। मोटो का जो G40 फ्यूजन था वहाँ पर आपको 4K में मिल जाता था लेकिन यहाँ पर फुल HD 30 FPS ही आप वीडियोस निकाल सकते हो, तो हाँ कुछ इस तरह का सिनेरियो है। फ्रंट के बारे में बात करें तो 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है और यहाँ पर भी F2.2 अपर्चर दिया गया है, साथ ही फुल HD 30 FPS आप मैक्स निकाल सकते हो। तो हाँ, कैमरा में आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे जैसे कि वीडियो स्टेबलाइजेशन, EIS वगैरह भी सब चीज़ें यहाँ पर वर्क करती हैं, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड और हाइपरलैप्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो जब आएगा स्मार्टफोन तो प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊँगा, अगर मैं परचेज करूँगा तो आपके लिए इसका रिव्यू जरूर लेकर आने वाला हूँ। इसी के साथ ही स्पीकर यहाँ पर सिंगल दिया गया है लेकिन अच्छी बात यह है कि डोल्बी के साथ साउंड किया गया है तो डोल्बी एटमोस का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही 2 माइक हैं और काफ़ी मतलब थोड़ी सी सैड बात, हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट इस स्मार्टफोन में दिया गया है, यानी कि जो सिम कार्ड है या तो आप एक टाइम पर 2 ही सिम लगा पाओगे या एक टाइम पर 1 सिम या 1 मेमोरी कार्ड, तो हाँ ये चीज़ें जो है कुछ इस तरह की है। इसी के साथ ही MediaTek का हेलियो G85 प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया है, 4 GB की रैम है, 6128 भी एक वेरियंट मिल जाएगा और बस यही है। और UFS वगैरह स्टोरेज यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है कि कौन सी स्टोरेज होने वाली है तो उसके बारे में तो अभी मैं कुछ भी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है। अगर एमोलेड आपको मिल रही है तो G85 काफ़ी जस्टिफिकेशन के साथ आता है, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, तो हाँ प्राइस रेंज के हिसाब से मैं ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें
डिफाइन नहीं करने वाला हूँ। 5000 mAh की बैटरी है और मोटरोला का क्लेम है कि 20 वोल्ट की चार्जिंग दी जा रही है, लेकिन जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है 10 वोल्ट का जो चार्जर है वो आपको बॉक्स में मिलेगा और 20 वोल्ट की चार्जिंग के लिए अलग से चार्जर खरीदना पड़ेगा। अब इतनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ये कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मोटरोला का मैंने बाहर का पेज पिक किया था जहाँ पर ये स्मार्टफोन ऑलरेडी ही लॉन्च हो गया है, तो वहाँ पर 10 वोल्ट का ही चार्जर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर मोटरोला ने अब क्लियरली नहीं बताया कि चार्जर बॉक्स में मिलेगा या नहीं, लेकिन अभी तक आप ये मान के चलो कि 20 वोल्ट मोटरोला ने बताया मिलेगा, लेकिन 50-50 है, कहीं 10 वोल्ट ना दे दे और 20 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो कुछ इस तरह का है। बाकी आप स्टे ट्यून करना, लॉन्च के टाइम जो वीडियो आएगा तो उसमें सारी कंफर्म चीज़ें मिल जाएंगी। इसी के साथ ही स्टॉक कैंडोर्ड जैसा फील आपको मिल जाएगा, यानी कि कोई भी एडिशनल ऐप, ब्लोटवेयर या कोई भी अनवांटेड ऐप्स यहाँ पर नहीं रहने वाली है, जो कि सुकून की बात है। और थिंक सील्ड मोबाइल सिक्योरिटी भी यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि बिजनेस ग्रेड की सिक्योरिटी है और आपके स्मार्टफोन को सिक्योर रखती है, लाइक नॉक सिक्योरिटी जो कि सैमसंग में अवेलेबल है। तो हाँ, कुछ इस तरह के स्मार्टफोन है और जो प्राइस एक्सक्लूसिवली लीक होकर आई हुई है एक ट्विटर हैंडल के थ्रू, तो यहाँ पर 12999 कही जा रही है। तो हाँ, अगर इस प्राइस पे आ जाती है तो मुझे लगता है कि मोटरोला की तरफ से एक इंटरेस्टिंग और किलर ये डील होने वाली है, क्योंकि इससे ऊपर अगर हम देखें तो 15000 में मोटो का G40 फ्यूजन है। अगर आप 2000 और ऐड करोगे तो वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, लेकिन 2000 बचाओगे तो एमोलेड पैनल आपको मिल जाएगा, वो भी अच्छे कलर्स के साथ। तो हाँ, कुछ इस तरह के सिनेरियो है, बाकी आप वेट कर सकते हैं, लॉन्च के टाइम वीडियो आएगा। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिल जाए। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।